हेलो गाइस, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं अफराज और चलिए आज बनाते हैं एक रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज। जी हाँ, वेज रेसिपी है बट शाही रेसिपी है। आपने गेस कर ही लिया होगा, मैं बनाने जा रहा हूँ शाही पनीर। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि वो रेस्टोरेंट वाली जैसी शाही पनीर वो घर में नहीं बनती। आज मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करता हूँ और फटाफट से बनाते हैं। तो पैन गर्म करने रख देता हूँ मैं यहाँ पर, उसमें मैं डालूँगा तेल। और काफ़ी सिंपल रेसिपी है, बस थोड़ा सा प्रेप करके रखना पड़ेगा आपको एंड बढ़िया सी शाही पनीर जल्द से जल्द तैयार हो जाएगी आपके घर पे। सो तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगा अनियन की पेस्ट। जी हाँ, अनियन को मैंने पेस्ट बना कर रख लिया है। तो अनियन प्यूरी इसके अंदर, और इसे हमें सौते करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। सो टमाटर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और इसकी प्यूरी बनाना है हमें। चलिए इसे ले लेते हैं एक ब्लेंडर जार में, और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगा एक प्यूरी में। तो लीजिए, हमारी टमाटो प्यूरी रेडी हो चुकी है। तो अनियन आप देख सकते हैं भून चुका है अच्छी तरह से। तो अब इसमें मैं डालूँगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो सारी चीज़ इसमें पेस्ट होके जाती है, क्योंकि शाही पनीर जो है वो काफ़ी रिच क्रीमी ग्रेवी होती है। तो इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स वो मैं डाल रहा हूँ वो काफ़ी महीन पीसे हुए हैं। इसे भी अच्छी तरह से भूनना है, और इस स्टेज पे मैं डालूँगा हल्का सा पानी और सारे पैन के कोनों को अच्छी तरह से स्क्रेप कर लेना है हमें। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से सौते हो चुका है, अब इसमें मैं डालूँगा टमेटो प्यूरी। टमेटो प्यूरी को भी अच्छे से हमें सौते कर लेना है, और टमेटो जैसे ही हल्का सा भुन जाए उसमें मैं डालूँगा योगर्ट। टमाटर भुन चुका है, आंच को मैं करूँगा कम, और यहाँ पर मेरे पास है योगर्ट, उसे थोड़ा सा फेंट लूँगा मैं ताकि उसमें कोई लम्स ना हो। और चलिए अब इसमें योगर्ट डाल देते हैं, और अब इसे भी अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसे भूनेंगे, फिर चलाते रहना है ताकि दही जो है वो हमारी फटे ना। तो दही अच्छी तरह से भुन चुकी है, और अब बारी आती है इसमें डालने की मसाला। तो मैं डालूँगा पनीर मसाला। तो इसमें बस पनीर मसाला डाल रहा हूँ मैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हल्का सा पकाएंगे, सौते करेंगे। थोड़ा सा पानी डालूँगा ताकि मसाला जले ना। तो सारे मसालों का स्वाद सिर्फ ये एक मसाले में, और इस मसाले की खासियत ये है कि जब इसे प्रोसेस किया जाता है तो जो मसाले यूज़ होते हैं उसके नेचुरल ऑयल को छेड़ा नहीं जाता, वो बरकरार रहते हैं इसमें। तो इट गिव्स अ वेरी नाइस अरोमा एंड फ्लेवर टू द रेसिपी। तो इसे अच्छी तरह से हम अब सौते कर लेंगे, और काफ़ी आसान पड़ता है अगर एक मसाले में सारी चीज़ें हो। तो यू जस्ट नीड टू ऐड दैट, और आपकी शाही पनीर जो है वो तैयार हो जाएगी। अब मैं इसमें सॉल्ट डालूंगा। सो नमक इसके अंदर अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, और क्योंकि रेसिपी शाही है तो थोड़ी रिचनेस और देने के लिए यहाँ पर मेरे पास है कैश्यू नट पेस्ट, तो वो इसके अंदर। तो ये इसमें आ गया, अब बारी आती है इसमें डालने की पनीर। पनीर के ये क्यूब्स है मेरे पास, वो मैं डाल दूंगा। और हमेशा जब आप घर में पनीर यूज़ करें तो मेक श्योर यू कट देम इनटू नाइस क्यूब्स, क्योंकि ये जल्दी से टूटेंगे भी नहीं। अगर आप फ्लैट कट करोगे इसे तो देर आर चांसेस ऑफ इट कि ये टूट जाए। और बस अब इसे ग्रेवी में हम कोट कर लेंगे अच्छी तरह से। सो ग्रेवी हल्की सी थिक है अभी, बट जब हम इसमें क्रीम डालेंगे तो ये कंसिस्टेंसी अपने आप सेटल हो जाएगी। थोड़े से और फ्लेवर के लिए मैं डालूंगा इसमें कसूरी मेथी का पाउडर, बहुत ही बढ़िया स्वाद देगा, और थोड़ा सा इलायची पाउडर। दैट्स इट, इसे एक बारी मिक्स कर लेते हैं। और पनीर को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, वी वॉन्ट इट नाइस एंड सॉफ्ट। तो क्रीम आ गई इसमें, नाइस एंड रिच, और जैसे कि मैंने कहा था कि कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो जाएगी इसकी, और इसे ऐसे ही सर्व करें। तो लीजिए, शाही पनीर हमारा रेडी है, गर्मा गर्म इसे मैं सर्व कर लेता हूँ।
तो गर्मा गर्म हमारी शाही पनीर रेडी है। इसे मैं गार्निश कर लूँगा थोड़े से फ्रेश क्रीम के साथ। तो लीजिए शाही पनीर रेडी है। अब शाही पनीर खाने के लिए आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव गॉट द रेसिपी। आप इसे जल्द से जल्द अपने घर में ट्राई कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शेयर योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल संजीव कपूर खजाना।